हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, उसके कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। पहले वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारी रिएक्शन रिडॉक्स हो, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन होता है ना ही किसी का रिडक्शन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सेल तो देखे होंगे, टीवी के रिमोट में लगाए जाते हैं, राइट। आप लोग फोन, मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें बैटरी लगी होती है। बैटरी इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, बन जाती है एक बैटरी। तो आखिर सेल में होता क्या है। सेल वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल और केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे। जैसे जो मार्केट में पेंसिल वाला सेल आता है, जिसे आप टीवी के रिमोट में लगाते हो, उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है? कभी उसको तोड़ के देखा है आप लोगों ने, उसको ब्रेक करके देखा होगा बचपन में, एक क्यूरोसिटी बस आपने देखा होगा। हमने तो भाई एक बार तोड़ा था, उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक पाउडर निकला था। अब पता तो नहीं था कि उस टाइम क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अब पता चल गया कि उसके अंदर कुछ केमिकल होता है, कुछ केमिकल्स का मिक्सचर होता है। और उस केमिकल्स के मिक्सचर से क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तो क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपका मोबाइल ऑन रहता है, चल पाता है, करेक्ट। तो वही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। हम लिख भी सकते हैं ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, राइट। एक इसका जस्ट रिवर्स भी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस सेल का नाम होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो नाम तो ले ही देते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम आपको नहीं बताने वाले हैं। इसके बारे में हम 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर करेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। फिलहाल यहां पर समझ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। जब हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो बैटरी है वो काम कर रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। लेकिन सोचो, जब आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया गया है, तब क्या हो रहा है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और केमिकल फॉर्म्ड हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है उस टाइम। तो जो आपकी मोबाइल की बैटरी है वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम कर रही है। ये है दोनों में डिफरेंस। जैसे इन्वर्टर होता है, सबके यहाँ पे मोस्टली होता ही है, अगर आप जब इन्वर्टर को यूज कर रहे हो, तो इन्वर्टर की आपने देखी होगी बैटरी होती है। बैटरी क्या, बैटरी के पापा बैटरा होते हैं, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बैटरी होती है, इतनी बड़ी होती है कि हम उसको शायद अकेले उठाना भी मुश्किल हो पाता है। तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, H2SO4 होता है मेनली वैसे तो, लेकिन केमिकल्स की हेल्प से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो वो उस टाइम कौन से सेल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, सॉरी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन आप सोचो, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, ओके, लाइट ऑन है, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, उस टाइम क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और केमिकल फॉर्म्ड हो रहा है। मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इंटू केमिकल एनर्जी, एंड दैट टाइम द बैटरी इज वर्किंग लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। हमारा जो इंटरेस्ट है इस सेल में, इस वीडियो में, वो किस में है, अरे किसी और में नहीं है बच्चों, हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है।
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है उसके बारे में जानने में है। ठीक है, तो बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। यस, मैंने सुन लिया आप लोगों ने बोला एनोड एंड कैथोड एंड द कॉमन नेम इज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है और कौन सा इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, ये बात हमको समझानी। देखो, अगर हमारे पास में कोई मेटल की रॉड है, क्या है, मेटल की रॉड है, लाइक हमारे पास में जिंक की रॉड है, जिंक मेटल लिया और उसकी एक रॉड हमने बना ली, और उसके जिंक रॉड को हमको क्या करना है, जिंक के ही सॉल्यूशन में कोई ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें जिंक आयन हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें क्या हो, जिंक आयन हो। सपोज हमने ले लिया यहां पर ZnSO4, करेक्ट, तो यहां पर Zn2+ आयन होंगे ही होंगे, ढेर सारे होंगे, तो जिंक रॉड है और जिंक रॉड को उसी के आयन में हमने क्या कर दिया है, डिप्ट कर दिया है, उसी के आयन में डुबा दिया है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोड लिख भी सकते हैं, व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, ओके, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अगर किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन में आयन होने चाहिए, यहां पर सॉल्यूशन कौन था, जैसे जिंक सल्फेट है आपका, उस हम जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन अगर रॉड जिंक की है तो इसमें आयन भी कौन से होने चाहिए, जिंक के आयन होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ जिंक इलेक्ट्रोड। सिमिलरली अगर मेरे पास में एक कॉपर की रॉड है फ्रेंड्स, ओके, इस बार जो हम रॉड ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, कॉपर की ले रहे हैं, और कॉपर की रॉड को किस में डिप कर देना है, आप लोग बता सकते हो, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें कॉपर आयन हो, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लीजिए जिसमें कॉपर आयन हो, जैसे आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हो, अगर आपने रॉड कॉपर की ली है तो सॉल्यूशन में भी कौन सा आयन होना चाहिए, कॉपर आयन होना चाहिए, करेक्ट, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। सिमिलरली हम कोई और बना सकते हैं, हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, हम सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, गोल्ड का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, लेकिन सारे मेटल का इलेक्ट्रोड हम बनाते नहीं हैं, ओके, धीरे धीरे ये बातें आपको समझ में आएंगी कि किस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते रहे हैं और किसका नहीं बनाते। ये मेटल कॉमन होती है, आसानी से मिल जाती है, अब कोई बहुत ज्यादा महंगी मेटल हो जैसे गोल्ड है ना, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो, सोडियम है, निकालने में भी बहुत सारी मेहनत होती है, अब उसको हम इलेक्ट्रोड में लगा के खर्च तो नहीं कर सकते ना, इसलिए सिंपल जो आसानी से मिल जाती हैं, चीप होती हैं, ऐसी मेटल के हम इलेक्ट्रोड आसानी से बना लेते हैं। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कि अगर किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हर इलेक्ट्रोड का, एवरी इलेक्ट्रोड हैव सम पोटेंशियल, ओके, हर इलेक्ट्रोड का क्या होता है, कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट वोल्ट होती है, आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, मतलब जब हम जिंक को जिंक के आयन में डिप्ट कर देंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्यों होगी उसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी
आप लोग अच्छे से जानते हो फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर भी चार्ज फ्लो होगा, लेकिन चार्ज फ्लो होने के लिए क्या होना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो क्या इसमें अपने आप चार्ज फ्लो हो जाएगा? भाई चार्ज फ्लो होने के लिए एक सर्किट होना चाहिए। चार्ज किस में फ्लो होता है? हवा में तो फ्लो होगा नहीं, एक सर्किट होना चाहिए, कुछ वायर होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए। हर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को पता करने का क्या तरीका है? ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है या कॉपर इलेक्ट्रोड है, आप उसके पोटेंशियल को नहीं पता कर सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, वी कांट मेजर द पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड ओके अलोन। कोई कहे कि इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये पता पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर सर, फिर कैसे पता किया जाएगा? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बता ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा है, कैसे पता चलेगा कि किसका किसका कितना है? समझो इस बात के लिए, हम अगर दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दें, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम हाफ सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाफ सेल, एंड इट इज ऑल्सो अ हाफ सेल। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा फुल सेल। दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे और बन जाएगा एक हमारा सेल। ध्यान दीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर हम दो इलेक्ट्रोड को किसी एक वायर से ज्वाइन कर दें तो उनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है हम वो पता कर सकते हैं। आगे ना बात समझ में, हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को तो नहीं पता कर सकते, लेकिन दो इलेक्ट्रोडों को ज्वाइन कर दें तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी कैन कैलकुलेट दैट। और उसके लिए तरीके भी होते हैं, हम आपको धीरे धीरे उन सारे तरीकों को बताएंगे। इसी तरह से एक और इलेक्ट्रोड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम अदर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को पता भी कर सकते हैं, और जिसका नाम होता है SHE, शी। भाई शी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबकी लाइफ में शी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिलहाल यहाँ पर शी का क्या मतलब है और आप जो शी का मतलब सोच रहे हो वो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उस शी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करने वाला हूँ उस शी का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो समझ गए हमारी शी का नाम क्या है? हमारी शी का नाम है, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो चलो बात समझ में आती है, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो समझो देखो कैसे हम इसको बताते हैं आप लोगों को। हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है? क्या लेना है? एक कंटेनर लेना है। जरा मैं इसको रफ कर लेता हूं। ओके, इस कंटेनर में क्या लेना है हमको? कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें H प्लस आयन हो, कोई भी। आप HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो। एसिड का काम क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिड गिव्स H प्लस आयन। एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो चलिए HCl ले लिया हमने। स्टैंडर्ड का मतलब है कि HCl की जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, मतलब 1 मोल HCl को 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होती है, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ है, नहीं देखा हो तो पहले उन चीजों को देखो और क्लियर करो। ओके, तो क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें H प्लस आयन हो, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। मीन्स द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर। ओके, अब क्या करना है, इसमें एक खास तरह का हमको बीकर ओके ऐसे रख देना है,
करेक्ट। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको, और अभी 2 मिनट के बाद में इसको रफ भी करना पड़ेगा तो हमारा दिल टूट जाएगा। नहीं वैसे तो नहीं टूटेगा, लेकिन हम टूट भी जाएगा तो फेविक्विक लगा के जोड़ लेंगे उसे। इसमें हमको क्या पास करना है फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन में क्या है, HCl है, और जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर है। ओके हमको इसमें हाइड्रोजन गैस पास करनी है। क्या पास करनी है, हाइड्रोजन गैस पास करनी है। अब गैस है तो गैस का कोई ना कोई प्रेशर तो होता ही है, तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। ओके प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। यही है स्टैंडर्ड का मतलब, कि टेम्परेचर की बात हो रही है तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी 1 मोलर होना चाहिए। गैस है तो गैस का प्रेशर 1 atm होना चाहिए। तो जब ये हाइड्रोजन, इसमें H+ आयन है, उसके कांटेक्ट में आएगी तो इलेक्ट्रोड बनेगा। उसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अब यहाँ कोई वायर तो है नहीं है तो उसको बाहर भी निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेटिनम का वायर भी लटका देंगे। प्लेटिनम एक मेटल है, वो अच्छी कंडक्टर होती है, करेक्ट। तो इसके थ्रू जो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो बाहर आ जाएगी। आगे बात समझ में, कि शी क्या होता है, शी क्या होता है, हम लिख भी सकते हैं व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस, ओके, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, ओके, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग H+ आयन हैविंग मोलैरिटी 1, ओके, देन दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इतना लिखो और ये डायग्राम बनाओ, बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स, ओके, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है 0.00 वोल्ट, करेक्ट। हर टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.00 वोल्ट। याद कर लेंगे इस बात को, द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर, करेक्ट। अब सपोज करो हमारे पास में कॉपर इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कॉपर आयन हो, लाइक CuSO4। इसमें एक कॉपर की रॉड को हम डिप्ड कर देंगे, ये रही कॉपर की रॉड, बन गया ये हमारा क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड, करेक्ट। कई सारे Cu आयन होंगे, बन गया कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अकेले पता नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अकेले पता नहीं किया जा सकता है। तो सर क्या पता किया जा सकता है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दूं, इस शी से कनेक्ट कर दूं, भाई हर इलेक्ट्रोड चाहता है कि उसे शी से कनेक्ट कर दो, समझ गए ना मेरी बात को, हर इलेक्ट्रोड क्या चाहता है, उसे शी से कनेक्ट कर दो। अब इन दोनों के बीच का कोई ना कोई पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आया, ये ई स्टैंडर्ड, ओके, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, मान लीजिए कुछ भी आया, 0.3 वोल्ट आया, करेक्ट। तो ये 0.3 वोल्ट कॉपर का होना चाहिए या हाइड्रोजन का होना चाहिए, सोच के जवाब दीजिए, ये 0.3 वोल्ट कॉपर का होगा या हाइड्रोजन का होगा। भाई हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल जो भी है जीरो है, हमने बता दिया, कोई भी टेम्परेचर हो, तो ये 0.3 वोल्ट किसका होगा, कॉपर का होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को पता लगाया जा सकता है,
कैसे पता लगाया जा सकता है कि आप इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दो, शी से कनेक्ट कर दो। जब आप शी से कनेक्ट करोगे तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। आगे बात समझ में। अब वन मोर थिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने का एक तरीका होता है, उसको भी बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप लोग सब लोग समझते ही हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अगर हमने जैसे यहां पर है हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में है, एच प्लस आयन के कांटेक्ट में है, यहां पर सी यू किसके कांटेक्ट में है, सी यू प्लस प्लस आयन के कांटेक्ट में है, इधर क्लियर। यहां पर सी यू सी यू तो यहां पर सी यू प्लस प्लस आयन के कॉन्टेक्ट में है, यहां पर हाइड्रोजन एच प्लस आयन के कॉन्टेक्ट में है। तो जरा देखो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को लिखने का एक तरीका होता है, ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड का, ओके, इसको हम बोलते हैं ई नॉट। जैसे मैं जिंक का लिखूं, दो तरह से लिखा जा सकता है, जिंक जेडन प्लस प्लस ऐसे, और ऐसे भी लिखा जा सकता है जिंक जेडन प्लस प्लस एक्स लेस एन जिंक। इसको हम बोलेंगे यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जेडन प्लस प्लस आयन में, लेकिन यहां पर जेडन प्लस प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है जिंक में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये कैसा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके। तो पोटेंशियल को लिखने का दो तरीके होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह फॉर्म में लिखा जा सकता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, ओके, -0.76 वोल्ट। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसको बोलते कैसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये कितना होता है, -0.76 वोल्ट। तो अगर इसको कैसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब ये माइनस है तो बस इतना करना होता है कि ये प्लस में हो जाएगा, ओके। ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं, इनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों को ये याद किए हुए एक टेबल दी जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सारे इलेक्ट्रोडों को लिखा भी जाता है। जैसे चलो मैं इसको रफ करके कुछ के इलेक्ट्रोड लिख भी देता हूं, क्या बताने वाले हैं भाई हम, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज क्या होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि अगर हम जितने भी मेटल्स हैं सबको उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, देन वी गेट अ सीरीज, और सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ वी अरेंज द मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना ज्यादातर जो हम फॉलो करेंगे वो किसको फॉलो करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखा भी होगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके करें, अगर वो प्लस है तो रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस कर लेना, अगर वहां पर माइनस है तो रिडक्शन पोटेंशियल में प्लस कर लेना है, बस इतना अंतर है और कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो क्या बताया मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इफ वी अरेंज द मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल देन वी गेट अ सीरीज, और सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हमारे पास में सीरीज है, मैं तो बुक में से देख के लिख सकता हूं ना, जैसे एल आई, एल आई प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल आई में। देखिए यहाँ पर एल आई की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है, हम लिखेंगे कैसे, एल आई प्लस 2 एल आई, ये होता है -3.05, ओके। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, आप देख रहे हो। इसके बाद कुछ कॉमन से मेटल्स का लिख रहे हैं हम, ओके, सारी मेटल्स का नहीं लिख रहे, जेड एन प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर
करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ZN में। ओके यहां पर देखो ZN की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2, और यहां पर कितनी है, 0। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लिखने का तरीका भी थोड़ा समझना फ्रेंड्स, ओके स्टैंडर्ड कितना होता है, -0.76 वोल्ट, करेक्ट। हाइड्रोजन का, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, H+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने आप लोगों को बता रखा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। ये सारे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से मतलब टेम्परेचर 25 है, सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर है, लेकिन अगर मोलैरिटी चेंज करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस भी क्या हो जाते हैं, वेरी करेंगे, बदल जाएंगे, ये सब स्टैंडर्ड है। ओके जब मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर 25 है, सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी 1 मोलर है, कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 atm है, ये सारी बातें। कॉपर की बात करें, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर आयन ने देखो +2 से 0 में चला गया, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स, कैसे लिखते हैं, चलो हम ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, +0.34 वोल्ट। तो हमने कुछ मेटल्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और सीरीज जो मिल जाती है, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सभी बुक्स में गिवन होती है। ओके अब आप सोचोगे सर कि हमको इसे लर्न करना है, तो हम कहेंगे नहीं फ्रेंड्स, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल की जब भी हमको कैलकुलेशन आती है तो क्वेश्चन में ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रिडक्शन पोटेंशियल को लिखना समझ गए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये भी समझ गए। चलो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहे हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, उस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी सेल को कैसे बनाया जाता है, एक वोल्टाइक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, उनको कैसे बनाया जाता है, और सेल्स का EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।